और आज सीन भी कुछ ऐसा है कि BMW पर जा रहा हूँ रॉयल फील्ड सर्विस सेंटर कुछ पार्ट्स उठाने के लिए। नेक्स्ट साइड पे ना मेरे को इसको ले जाने का सबसे ज्यादा मन है, लेकिन भाई मैं अपनी इंटरसेप्टर में इतना कुछ लगा चुका हूँ ना, मतलब चलो रेड लाइट आ गई, सही टाइम पे आई एकदम रेड लाइट, मैं एटलीस्ट चेक कर पाऊंगा। तो भाई सारा सामान ले लिया, ये रहा है मेरे हाथ में, तो नुकसान तो अपना ही है। बहुत करीबी मामला था भाई साहब। क्या नाम है आपका? क्या लतिका देंगी, मतलब एक गाड़ी हट जाएगी और बाइक निकल जाएगी। अभी तक शक्ल भी नहीं देखी थी ना, जल्दी से चेंज करता हूँ और उसके बाद एक बार बाइक भी चला के देखते ना कैसी लग रही है, और बताता हूँ कि क्या चेंज करना है मैंने। तो जो भी पार्ट्स लाया हूँ ना वो है होप करता हूँ भाई आवाज आ रही होगी। देखो अभी 5:34 हो रहे हैं, शाम को व्लॉग स्टार्ट करना पड़ रहा है जल्दी जल्दी में, और अभी अपनी BMW कोल्ड स्टार्ट हो रही है। मैं जा रहा हूँ रॉयल फील्ड, रॉयल फील्ड में मैंने ना अपनी इंटरसेप्टर के लिए कुछ पार्ट्स ऑर्डर किए थे, जो वो जब मैं पार्ट्स ले लूंगा जब इंस्टॉल करूंगा तो मैं बताऊंगा कौन से पार्ट्स थे। इसको हमेशा मैं 62-63 टेम्परेचर पर ही लेके चलता हूँ, रिकमेंडेड बाय द BMW। देखो यार टेक केयर करनी पड़ती है तभी ये चीज़ें आपका साथ भी देती हैं, सही चलती हैं, दिक्कत नहीं देती, ब्रेक डाउन नहीं होती कहीं पर। सबका टाइम हो रहा है इस समय एकदम घूमने का, पूरा पार्क भरा हुआ है। जय माता दी। हम जैसे पहले रहते थे ना सरकारी फ्लैट्स में, तो वहाँ पे क्या था कि हमारे घर के नीचे ही पार्क था। छोटे होते ना तो आपको चुल रहती है कि स्कूल से आओगे दिन में 2 बजे और थोड़ी सी नींद लोगे, और अगर नींद भी नहीं लोगे तो आपको शाम को एनी हाउ पार्क में जाना है, खेलना है बच्चों के साथ। गूगल में चेक कर रहा था मैंने, यही रास्ता बता रहा था, 8-9 किलोमीटर का रास्ता बता रहा है और 15-20 मिनट का टाइम। जल्दी जल्दी निकलने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि ना थोड़ी देर में 6 बज जाएंगे, ऑफिस का टाइम हो ही जाएगा, आधा घंटा है अभी अपने पास, आधा घंटा तो नहीं 30-40 मिनट ही है, लेकिन वही है जल्दी जल्दी आना पड़ेगा। ये शीशा ज़्यादा ही ऊपर को जा रहा है यार, यार राइड का बहुत मन कर रहा हूँ, राइड करूँ राइड करूँ राइड करूँ, लेकिन जैसे ही राइड का सोचता हूँ ना प्लान करता हूँ कि कल निकल जाऊँगा या परसों निकल जाऊँगा, तभी कुछ ना कुछ सीन हो जाता है और कुछ ना कुछ अड़चन आ जाती है। अब रुका नहीं जा रहा, बहुत दिन हो गए हैं, 2-3 महीने हो गए हैं राइड नहीं करी है, आगे जाके एक बार देखना पड़ेगा फिर से कि कहाँ से निकाल रहा है। वो रहा कूड़े का पहाड़, यहाँ बहुत स्मेल आती है लेकिन, और ये साथ में नदी है, नदी तो नहीं है बेसिकली नाला है साथ में, नहीं यहाँ पे भी है। तो इस बाइक का फ़ायदा ये है कि कोई भी छोटा मोटा सामान लेना हो तो आपको बैग कैरी नहीं करना पड़ता क्योंकि ऑलरेडी ये 2 बैग कैरी करके चल रही है। और आज सीन भी कुछ ऐसा है कि BMW पर जा रहा हूँ रॉयल फील्ड सर्विस सेंटर कुछ पार्ट्स उठाने के लिए बीच में से तो निकल पाएंगे जैसे बाइकें निकल रही है ना, अपने को आगे से यूटर्न ही लेना पड़ेगा। यूटर्न है कहाँ इसका? अच्छा ये रहा, नहर के बीचों बीच चल रहे हैं आज। बस वाले भैया रोकना मत, बस अब चलते रहो, कहीं रोक दो बीच में। नेक्स्ट साइड पे ना मेरे को इसको ले जाने का सबसे ज़्यादा मन है, लेकिन भाई मैं अपनी इंटरसेप्टर में इतना कुछ लगा चुका हूँ ना, मतलब मन में बहुत चुले कि उसको लेके जाना है। चलो रेड लाइट आ गई, सही टाइम पे आई एकदम रेड लाइट, मैं एटलीस्ट चेक कर पाऊंगा कि जाना किस तरफ है। अच्छा इधर से राइट लेना है, मन तो यही है क्योंकि इसमें ना लगेज वगैरह भी ज़्यादा कैरी हो जाता है, दो कुछ इसमें सामान आ जाता है, टॉप बॉक्स में सामान आ जाता है, एक आधे और ज़रूरत पड़े तो बैग वगैरह माउंट कर दो टॉप बॉक्स के साथ। इधर भी भाई गेम चल रहा है, कौन सा चल रहा है? फुटबॉल चल रहा है भाई, क्या बात है। तो ये 6 बज गए पूरे और मैं भी पहुंच ही गया हूँ, बस ढूंढ रहा हूँ कहाँ है बोरा। जल्दी से लगाता हूँ बाइक, सामान लेता हूँ, घर को रवाना होते हैं और फिर करते हैं इंस्टॉल। सामान उठाते हैं जल्दी से अब। तो भाई सारा सामान ले लिया, ये रहा है मेरे हाथ में। चलो जी सामान डाल दिया, इसी बैग में आ गया सारा सामान, राइट वाले में ही। अब आप देख लो कितने काम के हैं ये बैग, 8-8 लीटर के हैं ना, तो अच्छा खासा सामान आ जाता है इनमें। जैसे जैसे डिले होता जाएगा ना टाइम बढ़ता जाएगा, जाम भी बढ़ता जाएगा, इसलिए मेरी कोशिश थी कि जितना जल्दी हो सके जल्दी जल्दी सामान लेके घर को निकलो कि जाम से बच जाएं। कि इसको ना मैं जाम में चलाना थोड़ा प्रेफर नहीं करता कि बंदे कहीं पेल दिया इधर उधर से ना, तो नुकसान तो अपना ही है। बहुत करीबी मामला था भाई साहब। तो भाई टाइम हो रहा है 6:30, पूरे 1 घंटे में पूरा काम तिया पाचा करके मैं घर तो पहुंच गया हूं, लेकिन जाते वक्त भी यहां जाम था, आते वक्त भी यहीं जाम है। एक तो प्रोटेस्ट वगैरह के ना फार्मर्स प्रोटेस्ट की वजह से ये पीछे जो हाईवे है ब्लॉक कर रखा है ना वो। हेलो क्या नाम है आपका? लतिका है? आयुष। और सामान निकालते हैं और बाइक निकालते हैं और लगाते हैं। ये हमारे औजार जिनकी हेल्प से करेंगे हम अपना पूरा बाइक का काम। ये बाइक निकालनी है, इन दोनों गाड़ियों के पीछे खड़ी हुई है, मतलब एक गाड़ी हट जाएगी और बाइक निकल जाएगी।
जल्दी से चेंज करता हूँ, और अभी तक शक्ल भी नहीं देखी थी ना, जल्दी से चेंज करता हूँ और उसके बाद एक बार बाइक भी चला के देखते ना कैसी लग रही है, और बताता हूँ कि क्या चेंज करना है मैंने। तो जो भी पार्ट्स लाया हूँ ना वो है इंटरसेप्टर के फुट पेग्स लगे हुए हैं, तो मैंने जीटी के फुट पेग्स मंगाए थे जिसकी जो लोकेशन है ना, अब इंटरसेप्टर की लोकेशन जो है वो यहाँ पे आती है, ठीक है, थोड़ा सा पैर आगे रखना पड़ता है, लेकिन जो जीटी वाले हैं उसका ये फ्यूल कैप जो है ये यहाँ से हट के यहाँ लग जाएगा, और ये मास्टर सिलेंडर इसका यहाँ पे आ जाएगा, और जो फुट पैग यहाँ पे लगे हुए हैं ये फुट पैग यहाँ पे लग जाएगा, तो आपको थोड़ा सा पैर पीछे करके रखना पड़ता है, और मतलब थोड़ा सा कमिटिंग पोजीशन आती है। सेम फॉर लेफ्ट साइड, इसका भी सेम है, पीछे आ जाते हैं फुट पैग्स। और ये है पार्ट्स, ये एक लीवर ऑर्डर किया था, ये ब्रेक लीवर, ये गियर लीवर, क्योंकि इसका गियर लीवर अलग है, उसमें एक्सटेंशन आता है गियर लीवर में, इंटरसेप्टर में दिखा देता हूँ आपको, ये इसमें एक्सटेंशन आता है जिसकी हेल्प से आपका जो गियर लीवर है वो आपके गियर शाफ्ट से कनेक्ट होता है, जिसकी हेल्प से आपका काम करता है गियर, लेकिन उसमें डायरेक्ट होता है। तो एक दो लीवर है, एक ब्रेक लीवर, गियर लीवर, ये दो कंट्रोल पैनल जिनकी जिन पर इसके कंट्रोल पैनल तो अलग है, एक ये वाला और एक उस साइड वाला, तो ये दोनों हटेंगे और ये दोनों लगेंगे, ये वाले दोनों, और ये हील गार्ड, ये इसका मास्टर सिलेंडर की कवर के लिए हील गार्ड अलग है। देखो जब मैंने बाइक ली थी तो मैंने ये ब्लैक लिया था, ये रहा, लेकिन अब ये हटाना पड़ेगा, ये वाला लगाना पड़ेगा सिल्वर वाला, ये वाला, तो करता हूँ उसको शुरू, लगाता हूँ जल्दी से और फिर दिखाता हूँ आपको। तो भाई ये तो लग गया है अपना जीटी का गियर लीवर, और जीटी स्टाइल मतलब जीटी का ही फुट पैग, बट अभी इसको फिर से थोड़ा सा नीचे करना है क्योंकि गियर डालने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। बाकी ये हील गार्ड जो यहाँ लगते हैं ये लगे नहीं, क्योंकि इसके लिए नट अलग से चाहिए होंगे दोनों तरफ के, तो वो लाऊंगा और फिर वो करूँगा। अभी टेस्ट ड्राइव लेकर आया, बाइक तो सही चल रही है। तो भाई देखो सारा सामान लेके आ गया, अभी रख दूंगा अंदर, ये बहुत काम की चीज़ है पाने। और आज की वीडियो जिसने देखी होगी वो लाइक करें बिल्कुल मत जाना, और जो भी नए हो चैनल पर सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, बहुत जल्दी रेड मारते हैं। और बस कल बाइक को लेके जाता हूँ, वो छोटा सा जो काम है वो करवाता हूँ। गुड नाइट।